अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ढाक दो, इसको ढाक दो, एक मिनट देख लेते। अरे सोनू चलना यार, देख क्या करा। सोनू क्या हुआ, यहाँ पे कौन सी जगह आई? ये शंकरगढ़ पहाड़ी पे टेंचिंग ग्राउंड है सरकारी। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पिताजी काम करते हैं, आज से 35 साल से काम कर रहा। अच्छा, तो उनको नगर निगम से अनुमति है यहाँ की जगह कचरा बीनने की। अच्छा, तो वो काम करने आए थे, जेसीबी वाले कोई ठेकेदार थे उनका, जिनका टेंडर चल गया आगरा वाले, तो उनका कोई ड्राइवर था जो दारू में था, 24 घंटे दारू में रहता हो। तो हमारे पिताजी इधर काम कर रहे थे, तो वो आगे चला रहे थे जेसीबी, और उसने आगे पीछे नहीं देखा और उधर से भगाते हुए लाया, और हमारे पिताजी काम कर रहे थे उनके ऊपर लाके ने चढ़ा दिए। ये पोकलैंड? हाँ, पोकलैंड। अच्छा, कहाँ गया फिर ड्राइवर? ड्राइवर भग गया सर। तो क्या पिताजी शांत हो गए? हाँ, पिताजी शांत हो गए सर। अच्छा, फिर कैसे मालूम पड़ा आपको? हमको सर यहाँ से फ़ोन लगाया किसी ने, तो हम फिर गए वहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे आके देखा तो आपके पिताजी जो पोकलैंड के नीचे दबे थे क्या? हाँ। क्या देखा आपने यहाँ पे आके? मैंने सर पिताजी दबे थे, 2-4 जने ने मिट्टी में से निकाला उनको। अच्छा। मिट्टी में भी धस गए थे। अच्छा, मतलब इतनी इससे चढ़ी थी उनमें। अच्छा, मिट्टी में धस गए थे, उससे निकाले और निकाल के यहाँ ऊपर रखे हैं अभी हम। अच्छा, पुलिस आ गई थी मौके? हाँ सर, पुलिस आ गई। अच्छा, क्या बोली पुलिस? पुलिस ने बनाया सर अभी पंचनामा। क्या नाम था इनका? किनका? इनका जो आपके पिताजी, क्या नाम? बाबूलाल जी। आपके पिताजी का नाम क्या है? बाबूलाल उजले। अच्छा, आप कौन है उनके? मैं उनका लड़का हूँ सर। क्या नाम है आपका? सोनू उजले। यहाँ पर आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ और उस आदमी की मौत हुई बताएं। सर मेरा नाम संतोष है और मैं यहाँ कचरा बीनने का काम करता हूँ। जो ये पोकलैंड वाला है, ये दारू पी के नशे में पोकलैंड चला रहा था। जो बाबूलाल उजले थे वो वहाँ की जगह कचरा बीन रहे थे और उधर से ये स्पीड से पोकलैंड लाए और पीछे रिवीस में इनको कुचल दिया। तो क्या पूरी तरह से कुचला गए कि थोड़ी बहुत चोट लगी थी, क्या हुआ? नहीं, कमर तक कुचला गए हैं। फिर क्या करा आपने? आप ये भी साथ में, आपके सामने हुआ हादसा है? हाँ सर, मेरे सामने एकदम हुआ जस्ट। तो फिर क्या हुआ, क्या बोला फिर आपने? पुलिस बोली किसको? हमने 108 पर फोन लगाया था। हाँ। फिर 108 पे लाई, फिर पुलिस की बाद में जो यहाँ के टेंचिंग ग्राम के अधिकारी। क्या लगता है आपको किसकी गलती से एक मौत चली हो गई आज? ये पोकलैंड वाले की गलती से। क्या नाम है इस पोकलैंड वाले का? सद्दाम कुछ नाम, ऐसा कुछ बताया है सर। कब से काम कर रहा है ये? 2-3 महीने से। आप कब से काम कर रहे हैं? हमको कम से कम 35 साल हो गए। जो मृतक थे ये कब से काम कर रहे थे? इनको 40 साल हो गए कम से कम। अच्छा, क्या नगर निगम की तरफ से ही आप लोग? हमको नगर निगम के इधर से कार्ड दे रखे हैं यहाँ पर कचरा बीनने का। मतलब ठेके में हो आपके? परमानेंट हो नगर निगम के कर्मचारी? हम नगर निगम से के इधर से कर्मचारी भी नहीं है हमको। तुम्हारा खुद का काम करते हो कि नगर निगम ने अधिकृत कर रखा था कचरा बीनने के लिए? अधिकृत कर रखा हम। ठीक है, आपका क्या नाम है? संतोष वानखेड़े। बताएं, अभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, एक नगर निगम के कर्मचारी के ऊपर पोकलैंड मशीन चल गई है। यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ड्राइवर दारू के नशे में था। क्या कहना चाहेंगे आप? एक युवक की मौत हो गई। युवक तो ये जो पोकलैंड मशीन की हुई कॉन्ट्रेक्टर की है, नगर निगम कर्मचारी नहीं था। और जो जिसकी डेथ हुई है वो नगर निगम कर्मचारी नहीं था, वो ट्रेड पिकर था। अब इनका कहना ये है कि नशे में था वो, तो वो ड्राइवर तो भी है नहीं यहाँ पर, और उसको बुलवाते हैं, चेक करते हैं। सर क्या नगर निगम की तरफ से इनको क्या कार्ड बना के दिए जाते हैं? क्या है, अधिकृत है या कचरा बीनने के लिए? अपने जो है ना एक एजेंसी जिसके हैं नगर निगम की होगी, आपके अधीन है नगर निगम का? नगर निगम मतलब कचरा उठाना टेंडर टाइप का उसका। क्या जाँच चल रही है सर? पूरा मामले जाँच चल रही है। सर आपका नाम बता दीजिए। जितेंद्र सिंह।
सर क्या मामला हुआ जो आप ट्रेंचिंग ग्राउंड पूछे? ये ट्रेंचिंग ग्राउंड में नगर निगम द्वारा कुछ लोगों को आइडेंटिटी कार्ड देकर पन्नी बीनने के लिए अधिकृत किया गया है। वो यहाँ पे पन्नी बीन रहे थे और यहाँ पे जो जेसीबी चल रही है ठेकेदार की, तो समतल करने के जमीन समतल करने के लिए जेसीबी चला रहा था ड्राइवर, ऊँची नीची पोकलैंड, तो पोकलैंड ऊँची नीची जमीन कांड, ड्राइवर का नियंत्रण हट गया जिससे पन्नी बीन रहा आदमी बाबूलाल की डेथ हो गई है। कितनी उम्र है सर इनकी? इसकी 55 साल उम्र है, देवास का ही रहने वाला है। ठीक है सर, धन्यवाद।